हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त रश्मि और मैं स्वागत करती हूं आपका आपके अपने ही चैनल लर्निंग बीट्स में। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूं उसमें मैं आपको फ्रैक्शंस के बारे में बताऊंगी। तो हम बच्चों को कैसे फ्रैक्शंस सिखा सकते हैं, उनको फ्रैक्शंस का इंट्रोडक्शन देना, कैसे स्टार्ट करना है। तो जनरली ये जो फ्रैक्शंस का चैप्टर होता है ये क्लास वन में स्टार्ट हो जाता है। तो क्लास वन में बहुत थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है जो कि हम बच्चों को बहुत ईजिली सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बच्चों को ये बताएंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। उसके लिए पहले हमें बच्चों को बताना है कि होल क्या होता है, या फिर किसी भी चीज़ का हाफ क्या होता है, या किसी भी चीज़ का क्वार्टर पार्ट क्या होता है, या फिर इक्वल या अनइक्वल क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मैंने एक पेपर ले लिया है, देखिए ये मैंने एक पेपर लिया है। तो इस पेपर को सपोज आप किसी भी शेप का पेपर ले सकते हैं, ये एक रेक्टेंगल है, तो इसको आप हाफ पार्ट में इक्वल पार्ट्स में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड कर लेंगे। अब ये फोर इक्वल पार्ट्स में हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके एक पार्ट में हम कलर कर देंगे, बच्चों को बोलेंगे इसको कलर करने के लिए। कोई भी कलर का आप यूज कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको कलर कर देंगे या फिर किसी तरह से शेड कर देंगे। इस तरह से जब हम बच्चों को कराएंगे तो बच्चों को बहुत आसानी होगी। ये मैंने इसको कलर कर दिया, इस तरह से आप ये एक पूरा पार्ट कलर कर लेंगे। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इस पेपर को अनफोल्ड कर दूंगी। अब ये मैंने इसको अनफोल्ड कर दिया। अब हम देखेंगे कि इस रेक्टेंगल के ये जो एक पार्ट है, ये क्वार्टर पार्ट है, ये शेडेड हो गया, ये कलर हो गया है। तो जब हम ये बच्चों को पेपर दिखाएंगे तो हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि ये सबसे पहले एक फुल पेपर है, दिस इज वन, इसको हम बोलेंगे वन। और जब हम इसको हाफ फोल्ड कर देंगे तो इसको हम बोलेंगे हाफ, और जब हम इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे तो इसको हम बोलेंगे क्वार्टर। अब हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि इसका कितना पार्ट कलर्ड है, इसका कितना पार्ट कलर्ड है, तो इसका आंसर है कि इसका क्वार्टर पार्ट कलर्ड है। अब हम समझते हैं कुछ पिक्चर्स के हेल्प से। देखिए ये हमने एक स्क्वायर बनाया है, तो ये स्क्वायर है, इसको हम कहेंगे वन होल, वन होल, ये वन है। और जब हम इसके दो इक्वल पार्ट्स कर देंगे तो ये हो जाएगा हाफ और ये भी हो जाएगा हाफ। तो फ्रैक्शंस में हम इसको हाफ तभी कह सकते हैं जब इस पार्ट को हम इक्वल साइज में हम इसे इस तरह से डिवाइड करें। अगर हम इसे अनइक्वल साइज में डिवाइड करेंगे तो हम इसको हाफ पार्ट नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम हाफ पार्ट कह सकते हैं, इसको हम हाफ पार्ट कह सकते हैं, लेकिन इसको हम हाफ पार्ट नहीं कह सकते क्योंकि ये अनइक्वल पार्ट्स हैं। इसी तरह से ये एक सर्किल है, ये इसका वन होल हो गया, ये इसके थ्री इक्वल पार्ट्स हो गए और ये इसके थ्री अनइक्वल पार्ट्स हो गए, तो इसको हम फ्रैक्शंस नहीं बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट टेल्स अबाउट इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल और अ ग्रुप। तो किसी भी एक पूरे पार्ट के जो इक्वल पार्ट्स होते हैं उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे ये स्क्वायर है, इसके दो पार्ट है, ये हाफ हो गया और ये हाफ हो गया, इसको हम इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, इसको हम इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, ये भी हाफ, ये भी हाफ। ईच स्क्वायर इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स। लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि जो पार्ट्स हैं, आप चार बनाए पार्ट्स या छह बनाए या फिर दो बनाए, ये जो पार्ट्स हैं ये इक्वल होने चाहिए। तो अब ये जो है ये हमने लिखा वन बाय टू, तो वन बाय टू में ये जो ऊपर का नंबर होता है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये जो ऊपर का पार्ट होता है ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स वी आर टॉकिंग अबाउट। और नीचे का पार्ट क्या दिखाता है, नीचे का पार्ट दिखाता है कि आपने एक होल के कितने पार्ट्स किए हैं। सपोज हमारे पास ये वाला स्क्वायर है, ठीक है, तो इसके कितने पार्ट्स हैं, इसके टोटल कितने इक्वल पार्ट्स हैं, इसके फोर पार्ट्स हैं, इसके फोर इक्वल पार्ट्स हैं, तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो होगा फोर। और कितने पार्ट्स को हमने कलर्ड किया है, हमने इसके टू पार्ट्स को कलर्ड किया है, तो टू बाय फोर। अगर कोई हमसे पूछे इसका जो कलर्ड पार्ट है उसका फ्रैक्शन क्या है, तो उसका फ्रैक्शन होगा टू बाय फोर। अब जैसे ये वाला स्क्वायर है इसमें कितने इक्वल पार्ट्स हैं, फोर, तो इसका डिनोमिनेटर आएगा फोर। और इसका कितना पार्ट कलर्ड है, वन पार्ट कलर्ड है, तो अगर कोई हमसे पूछेगा कि इसका कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन क्या है, तो इसका
फ्रैक्शन होगा 1/4, क्योंकि इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं और इसमें कलर कितना पार्ट है, 1 पार्ट कलर्ड है। अब हम कुछ एक्सरसाइज देखते हैं इजी सी। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, कलर द शेप्स अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन रिटर्न। अब जैसे कि हमने बच्चों को ये शेप बना के हम दे देंगे और उनको ये फ्रैक्शन लिख के देंगे 1/4, उनसे कहेंगे कि आप इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इसको कलर करो। तो इसमें 4 इक्वल पार्ट्स हैं इसलिए इसका डिनोमिनेटर 4 है और हमें इसमें कितने पार्ट कलर करने हैं, 1, तो ये 1 पार्ट बच्चे कलर कर देंगे। इस तरह से इसमें कितने पार्ट्स हैं, 3 इक्वल पार्ट्स हैं, तो 3 इसका डिनोमिनेटर हो गया और इसमें हमें कितने पार्ट कलर करने हैं, 2/3, तो इसके कलर्ड पार्ट का क्या फ्रैक्शन हो गया, 2/3। इस तरह से सर्किल में कितने पार्ट है, 8 पार्ट टोटल और हमें कितने पार्ट कलर करने हैं, 5 पार्ट, तो बच्चे इसको कलर करेंगे। तो इस तरह से बच्चों को फ्रैक्शन समझ में आ जाएगा। एक और एक्सरसाइज हम छोटी सी देख लेते हैं। सी, ये मैचिंग है। अब जैसे इसमें 1 होल, तो बच्चे ये बताएंगे इसमें 1 होल कौन सा है। देखिए ये 1 होल है, इसमें कोई भी पार्टीशन नहीं है, कुछ भी कलर नहीं है और कोई पार्ट्स नहीं है। अब क्या है, 1/4 ऑफ अ होल इज कलर्ड। अब ऐसी कौन सी पिक्चर है जिसमें 1/4 पार्ट कलर्ड है। देखिए क्वार्टर पार्ट किसको कहते हैं, जब हम किसी भी पार्ट के, किसी भी होल के 4 पार्ट्स करते हैं तो उसके एक पार्ट को हम क्वार्टर कहते हैं। तो ये जो है 1/4 ऑफ अ होल इज कलर्ड, इस वाले स्क्वायर में 1/4 पार्ट जो है वो कलर्ड है, तो इसको इससे मैच कर देंगे। हाफ पार्ट इज कलर्ड। अब कौन सा ऐसा पिक्चर है जिसमें हाफ पार्ट कलर्ड है, देखिए ये हाफ पार्ट कलर्ड है। अनइक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल, ऐसा कौन सा होल है जिसके अनइक्वल पार्ट्स हैं, जो कि इक्वल नहीं है। देखिए ये अनइक्वल पार्ट्स है, इसका हम फ्रैक्शन नहीं लिख सकते, इसको हम फ्रैक्शन नहीं बोल सकते, इसके किसी भी पार्ट का हम फ्रैक्शन लिख नहीं सकते। तो इस तरह से हम बहुत इजीली बच्चों को फ्रैक्शन समझा सकते हैं। आप पिज्जा की हेल्प से या फिर किसी गोल रोटी की हेल्प से या फिर एप्पल की हेल्प से, आप एप्पल लीजिए, उसको हाफ पार्ट में कलर्ड कीजिए, हाफ पार्ट में कट कीजिए, फिर बच्चों को दिखाइए कि देखिए ये हाफ पार्ट है और ये हाफ पार्ट है। उसी तरह से हम इसके उस एप्पल के 4 इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं, बच्चों को क्वार्टर समझा सकते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से और छोटी छोटी एक्सरसाइज से हम बहुत ईजिली बच्चों को फ्रैक्शंस का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो क्लास 1 में इससे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।